जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। आज श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उनका मंदिर में स्वागत हुआ। इसके लिए आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राम किसी एक धर्म, किसी एक मजहब के नहीं है, राम हम सबके हैं, समस्त देशवासियों के हैं। राम लला से प्रार्थना है कि हमारी जो इनकम है शेयर मार्केट से, जो शेयर मार्केट है उसको बढ़ाते रहे, हमारी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज भी इस वीडियो में बात होगी विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। कुछ लोगों का डिमांड था और जाहिर सी बात है इसके प्राइस में जो तेजी नहीं आ रही है, लेकिन इस गिरावट नहीं कहेंगे, चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि इसका जो चार्ट पैटर्न है एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। वही मैं बताऊंगा कि चार्ट पर ब्रेकआउट कब होगा ताकि इसके शेयर प्राइस में आपको तेजी आते हुए दिखे। लेकिन हमेशा की तरह लोग शुरुआत शुरू से करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको BSE की वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यदि आपका इन्वेस्टमेंट है विकास इकोटेक लिमिटेड में तो क्यों आपको डरना या घबराना नहीं है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे BSE इंडेक्स वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं और विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पे नहीं है। रेड फ्लैग कहने का मतलब ना तो ये स्टॉक ASM कैटेगरी में, ना ही GSM कैटेगरी में, और ना ही इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगा है। तो कोई भी रेड निशान, ये जिसको रेड फ्लैग कहते हैं स्टॉक मार्केट में, इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको इस चिंता से मुक्त हो जाना है कि स्टॉक में गिरावट आएगी, ऐसा बात नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक में इसकी जो ट्रेडिंग विंडो है वो कभी का क्लोज कर दिया गया है दिसंबर में ही। यानी कि अब इस कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, जो दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, वो मुझे उम्मीद है जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा कंपनी के शेयर प्राइस पर। खैर हम लोग क्वार्टर रिजल्ट को बाद में समझेंगे, फिलहाल चलते हैं कंपनी को मेन मुद्दे को समझते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग कंपनी के काम को समझे तो आपको पता है कि जो कंपनी है एक स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, केमिकल के सेक्टर से जुड़े हुए कारोबार करती है कंपनी। और आप सभी जानते हैं कि आज के समय में केमिकल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि केमिकल का यूज हर एक चीज़ में किया जाता है। लगभग खाने पीने से लेकर नहाने तक में जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, चेहरे तक में लगाने में, जो फेस वगैरह भी लगाते हैं, जो बाल में तेल लगाते हैं, सभी चीज़ों में केमिकल का किसी न किसी प्रकार से यूज होता ही होता है। तो केमिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये जो सेक्टर है इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। अब जाहिर सी बात है जो ग्रोइंग सेक्टर है उसमें जो ग्रोइंग कंपनियां हैं, जो इस तरह की छोटी कंपनी जो अभी ग्रो कर रही है, उसमें यदि सही समय पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और समय देते हैं तो जब इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो उसके अंदर की जो मार्केट लीडिंग कंपनी होगी या जो लीडिंग बनने की अग्रसर होगी उसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी। इसलिए विकास इकोटेक पर आपको ध्यान देना है, काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से इसके फंडामेंटल जब हम समझते हैं तो तकरीबन 550 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन नजर आता है। यानी कि एक छोटी कंपनी तो है लेकिन उसमें भी थोड़ा ठीक ठाक कंपनी है। स्टॉक का PE आपको भले थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन हम लोग चार्ट पर जब देखेंगे तो लेवल देख के वहाँ पर खरीदारी की बात करेंगे तो हमें PE से कोई लेना देना नहीं होगा। शेयर प्राइस कंपनी का बुक वैल्यू उससे ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। बुक वैल्यू से हमेशा शेयर प्राइस ज़्यादा ही होना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो कंपनी का ROE है और ROC है, यह देखेंगे 4% और 6% के आसपास है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कम से कम 4% का रिटर्न निकाल कर देने का स्टॉक अभी भी दमखम रखता है। भले यहाँ पे लोग कह सकते हैं चार्ट में गिरावट देखने हुई, चार्ट पे गिरावट मत देखिए, लंबी अवधि में इस स्टॉक में पैसा बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर आगे हम लोग एक साल के चार्ट पर, और यहाँ पे यदि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आप ये लेवल देखिए, ये जो लेवल है 3.50 रुपये का और ये जो लेवल है 3 रुपये का। यहाँ से क्या हो रहा था, स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन से बाहर निकला, एक स्टेप ऊपर आकर शिफ्ट हो गया। आप देखिए इस रेंज को देखिए, 4 रुपये के लेवल को, और फिर ये हो गया 3.5 रुपये के लेवल। कुछ दिन तक प्राइस इसमें कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकला, फिर प्राइस एक स्टेप ऊपर आकर शिफ्ट हो गया। अब ये स्टॉक का जो प्राइस है 4.5 रुपये से लेकर 4 रुपये के बीच में आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। अब फिर जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो फिर प्राइस कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आएगा, उम्मीद है 5 रुपये के लेवल तक आकर शिफ्ट हो जाए। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर एक कंसोलिडेशन इसके बाद स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही जा रहा है और एक नया हाई तो ऑल टाइम का हाई नहीं है लेकिन प्रीवियस हाई के मुकाबले एक नया हाई बनाते हुए स्टॉक चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ पे जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इससे भी जब बाहर निकलेगा तो प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, Q3 के नंबर आने दीजिए, इस स्टॉक का ब्रेकआउट इसमें से होगा और प्राइस ईजिली आपको 5 रुपये और 5 रुपये के लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर आपको 7-8-10 रुपये तक ईजिली जाते हुए स्टॉक बहुत कम समय में दिख सकता है। तो चार्ट पर अभी भी मजबूती के संकेत बने हुए हैं। आपको करना क्या है, यदि कोई नया व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जब 5 रुपये के ऊपर यहाँ पे निकले प्राइस तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिएगा, भले थोड़ा सा महंगा मिलेगा अभी के मुकाबले लेकिन कन्फर्मेशन के साथ उठाएंगे तो लॉस होने के चांसेज आपको नहीं रहेंगे। बाकी किसके पास पहले से यदि इन्वेस्टमेंट है तो अभी भी एवरेजिंग करना चाहे तो कर सकता है या ऊपर भी चाहे तो एवरेजिंग, हालांकि एवरेजिंग तो हमेशा नीचे में करना चाहिए तो आप अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि लंबी अवधि के निवेशक हैं तब आपको एवरेजिंग करने से घबराना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है।
क्वार्टरली रिजल्ट को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कंपनी का जो फंडामेंटल है मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का आपको सेल्स बढ़ते हुए दिखा, हालांकि ओवरऑल देखेंगे कुछ क्वार्टर मुकाबले तो थोड़ा सा कम ही हुआ है, लेकिन हम हमेशा पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखते हैं क्योंकि तमाम परिस्थितियां रही होंगी जिसके बदलाव थोड़ा सा इसके मुकाबले रिजल्ट कंपनी का इधर कम होते हुए दिखा है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर से यहाँ पर देखेंगे बढ़ने लगा है। तो इससे ये पता लगता है कि जो कंपनी Q3 का रिजल्ट आएगा उसमें सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखेगा, और सिर्फ सेल्स ही बढ़ते हुए नहीं दिखेगा, आपको कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है जो टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के पास बचता है वह भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ से देखिए ये 1,77,00,000 हुआ, इस बार बढ़कर उम्मीद है कम से कम 2 करोड़ के पास कंपनी का नेट प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसलिए कंपनी का जो फंडामेंटल बेहतर है टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता चलता है कंपनी बेहतर है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। इससे रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।